हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम, जो बहुत ही कम सामान में और बहुत जल्दी बन जाता है और गर्मी के सीज़न में खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे हम 1 kg दूध डाल देंगे कढ़ाई में। यहाँ पर 1 kg दूध ही ऐड करेंगे हम बनाने के लिए आइसक्रीम। तो यहाँ पर दूध पक रहा है और चलाते रहेंगे दूध को, और यहाँ पे देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है दूध का। तो हम चीनी यहाँ पे 1 कप ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से मिला लेंगे, और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे। पानी में अच्छे तरीके से घोल लेंगे। और दूध में ऐड कर देंगे, जिससे कि आइसक्रीम का टेक्सचर बहुत ही अच्छा और क्रीमी आएगा, इसलिए कॉर्नफ्लोर यूज़ होता है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे तरीके से मिला लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और इसको पूरा चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे, और देख सकते हैं यहाँ पे थिकनेस तो अच्छा है अभी दूध का, इतना ही रहना चाहिए। तो हम ठंडा होने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ पे 1 आम यूज़ करेंगे, जो बहुत बड़ा सा आम है, और उसको अच्छी तरीके से कट करके उसका पल्प निकाल लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंगो का पल्प रेडी है, और अभी हम इसको साइड में रख देंगे। और जो ठंडा हो चुका है दूध, वो एक बॉल में ले लेंगे। ठंडा होने के बाद ही यहाँ पे ठंडा हो चुका है, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे। और फिर इसके बाद हम क्रीम यूज़ करेंगे। आपके पास अगर फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ अमूल का फ्रेश क्रीम यूज़ किए हैं। और 1 कप फ्रेश क्रीम लेंगे, और अब जार में मैंगो पल्प जो है वो डाल देंगे, और जो दूध ठंडा हुआ था वो भी ऐड कर देंगे, और 1 कप क्रीम ऐड करेंगे, और इसको अब ग्राइंड करेंगे। और देख सकते हैं कितना ही अच्छा येलो कलर दिख रहा है, और बहुत ही क्रीमी लग रहा है देखने में। तो ऐसे ही एक लंच बॉक्स में अब हम डाल लेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो अच्छी तरीके से हम सेट कर लेंगे। और उसके ऊपर से एक प्लास्टिक अच्छी तरीके से सेट कर देंगे, क्योंकि मेरे पास एल्युमिनियम पेपर नहीं था तो मैंने इसे ही काम चला लिया। और अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे और फिर बंद कर लेंगे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। और अभी देख सकते हैं कितना ही यम्मी लग रहा है देखने में, और खाने में भी उतना ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा इसका। और ऐसे ही चम्मच से निकाल लेंगे। अब सर्व करने के लिए रेडी है, तो हम यहाँ पे सर्व करेंगे। देख के ही लग रहा है कि कितना अच्छा आइसक्रीम बना है, बिल्कुल क्रीमी। और उसके बाद आप ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो, काजू बादाम पिस्ता। मैंने यहाँ पे काजू बादाम पिस्ता ही ऐड किया है, ऊपर से आप सजा सकते हैं।
और देख सकते हैं कितना ही यम्मी आइसक्रीम बनके रेडी हुआ है। इस तरीके से आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।